हिमाचल प्रदेश में मैट्रिक प्लस टू और अंडर ग्रेजुएट लेवल के सभी एग्जामिनेशंस को फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजिंदर और आप देख रहे हो आरएसबी लेटेस्ट इन्फो। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप तक एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, वो है हिमाचल प्रदेश में एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज की इन्फॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश में मैट्रिक और प्लस टू और उसके साथ साथ अंडर ग्रेजुएट लेवल के सभी एग्जाम को फिलहाल के लिए जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। यह जानकारी मिलती है हमें सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो एक लेटर लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से। आप चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स, ये जो लेटर है वो 14 चार 2021 को सेंड आउट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश को, और इसमें डायरेक्टली सब्जेक्ट में ये मेंशन लिखा गया है पोस्टपोनमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड एंड अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ COVID-19 सिचुएशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हो, हिमाचल प्रदेश में और ऑल इंडिया लेवल में जो है वो कोरोना वायरस जो है बड़ी तेजी से फैल रहा है, और उसे ही देखते हुए जो है वो ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेटर में लिखा गया है, सर, इन व्यू ऑफ इंक्रीजिंग COVID-19 केसेस इन द स्टेट एंड इशू ऑफ द ऑनगोइंग हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन फॉर द क्लास 10th एंड क्लास 11th एंड अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन स्टार्टिंग ऑन द 17th अप्रैल 2021 रिव्यूड एट द स्टेट गवर्नमेंट लेवल टूडे एंड दैट कीपिंग इन व्यू द हेल्थ कंसर्न ऑफ द स्टूडेंट इट हैज बीन डिसाइडेड टू पोस्टपोन द क्लास 10th एंड 12th एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेटर से डायरेक्टली ये मेंशन हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कोविड 19 के केसेस को देखते हुए जो है वो ये डिसीजन लिया गया है कि मैट्रिक प्लस टू और अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम जो कि 17 तारीख से जो है वो स्टार्ट होने थे, उसे जो है वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और ये एग्जाम जो है वो अभी नहीं करवाए जा सकते, क्योंकि यदि इन एग्जाम को करवाया गया तो केसेस बढ़ने के जो है वो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और उसमें जो है वो स्टूडेंट और टीचर्स की हेल्थ के साथ जो है वो खिलवाड़ हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और इस डिसीजन के लिए जो है वो दोबारा से डिसीजन लिया जाएगा 1 मई 2021, यानी कि 1 मई 2021 को जो है वो दोबारा से जो है कमेटी रिव्यू करेगी कि एक्चुअल में कंडीशंस क्या है, अगर कंडीशन थोड़ी सी भी सुधरती है तो उसके एग्जाम जो है वो दोबारा से इसके बारे में जो है वो अपडेट दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 10th प्लस टू और अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम को लिए जो है फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, और जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो निकलती है तो उसकी जानकारी हम आप तक इमीडिएटली पहुंचा देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज COVID-19 से ज्यादा बचें और घरों से बाहर जो है तभी निकले यदि आपको जरूरत हो, और अपने मुंह पे जो है वो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि जो COVID-19 की सेकेंड वेव जो है वो निकली है वो बहुत ही डेंजरस हो रही है, और उसमें जो है वो मौतों का रिस्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।